अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश रखे, शादाबाद रखे। अब मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो कुछ इस तरह है। चिकन स्टीम रोस्ट, ये लेग पीस है, ये देखिए। ये 1 kg है, कैनन्स के ले लें या बाजार से जैसे भी ले लें। तो मैंने इनके ऊपर अभी थोड़ा सा 1/2 teaspoon सॉल्ट, तो अपन सॉल्ट टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो मैंने 1/4 teaspoon चिकन पाउडर डाला इसके ऊपर टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। अब क्या क्या जाएगा मैं अब डालती हूँ। हाफ टी स्पून चिली पाउडर जाएगा। अब मैं इसके अंदर, क्योंकि ये स्टीम रोस्ट है, इसके अंदर मैं योगर्ट नहीं यूज़ करूँगी, विनीगर डालेंगे, एप्पल साइडर विनीगर डलेगा 1 tablespoon। टू टेबल स्पून वाइट विनीगर, टू टी स्पून ये मलाई है, ये योगर्ट नहीं है, क्रीम है। ओके, इसको सॉफ्ट करने, इसको सॉफ्ट बने ना, 2 teaspoon क्रीम गई है। अमूमन स्टीम रोस्ट में कलर तो नहीं जाता, लेकिन मैं ऐसे एक चुटकी कलर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर दें। बहुत सारे मसाले नहीं कहेंगे, बहुत थोड़े मसाले मैं यूज़ करूँगी। फिर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon के करीब करी पाउडर। इसको हम आपको मिक्स कर लेते हैं। हींग की डाल रही हूँ, ये हींग है। चलिए अब इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं। व्यूअर्स, चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है। अब इसको हम चलिए कुक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टोव पे आप कढ़ाई रखें, इसे सारे ऐड करते हैं। इसमें बिल्कुल योगर्ट नहीं है, इसमें आपको मैंने बताया था 2 tablespoon क्रीम डाली है और विनीगर, स्पाइसेस वगैरह थोड़े से, बहुत ज़्यादा भी हमने स्पाइस नहीं बनाया। ये सॉफ्ट चिकन स्टीम बनेगा, स्पाइसी बहुत ही रखा हुआ है इसको। मसाला इसके अंदर तक चला जाए तो थोड़ा सा हम इसके सपोर्ट से, इसलिए फ्लेम बिल्कुल देख रहे होंगे कि लो कर दिए, बीच से कवर कर दिए। ये गलने तक इसको कवर रखेंगे, दरमियान दरमियान में इसको हम चेक करते रहेंगे। व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये चिकन इसका फुल टेंडर हो चुका है। अगर थोड़ी बहुत कसर होगी तो फिर हम जो शेल फ्राई करेंगे उसमें जो सही हो जाएगा। हम इसकी एक बार तेज फ्लेम करके ये चिकन स्टॉक को हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो हम थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए तेज़ आग ऑन की है, फ्लेम को फिर बस मैं ऑफ करने वाली हूँ। थोड़ा हम वेट करेंगे, थोड़ा ये लगा लेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको शेल फ्राई करेंगे। ये मैं फ्लेम ऑफ करती, ये अब
इसको छेड़ना नहीं, इसका सारा फिर मसाला सारा ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम रूम टेम्परेचर तक लेके आके फिर फ्राई करेंगे, क्योंकि हम इसकी उसको स्टॉक भी लता कर लेंगे और किसी और चीज़ में जूस राइस वगैरह में जूस बनाते वक्त यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह स्टीम चिकन स्टीम बिरयानी बनाना चाहते हैं तो फिर ये स्टॉक उधर बिरयानी में यूज़ हो जाएगी। ऊपर से ये स्टीम किया हुआ फ्राई किया हुआ चिकन ऊपर एंड में सिझा सकते हैं हम। नमन के बाद मिलती हो चुका है, अब हम थोड़ा सा इसको बस शेलो फ्राई करेंगे। तो ये मैंने देखिए ये अब पका हुआ है, ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन वो थोड़ी मिर्ची कच्ची लगती है, तो ये स्टॉक मैंने सेपरेट कर ली है। ये हम बिरयानी या पुलाव जो अगर बनाएंगे तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको शेलो फ्राई करते हैं। ये पैन रखा नॉन स्टिक पैन है और इसलिए रखा कि इसी में हम राइस बना सकते हैं। तीन खाने के चमचे ऑयल डलने का के फिर तीन दस चावल खा दी बगैर जो मैंने आपको जो जो आपको मैंने स्पाइसी बताए बस आप उसमें ही शामिल करें। देखिए इसका क्या फिर तो ऐसा चीज़ जो आपने शामिल किया ना उससे इसका ही उससे उससे इसका टेस्ट बहुत एनहेंस होगा, बहुत अच्छा आएगा। तो ये टोटली फुल गल चुका हुआ है, टेंडर है फुली, इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए चलो फ्राई कर रहे हैं। स्पाइसी हमें कच्चे ना लगें, अदरवाइज वैसे भी अगर रोटी यूज करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए मूव कर दूंगी। उसी ऑयल में जो बचा हुआ ऑयल है ये मैंने 1 kg राइस के बनाएंगे बिरयानी, ये राइस मैंने भिगो के रखे हुए 1 kg राइस है। कुकर ऐड करूँगी और तो हमने कौरमा थोड़ा सा निकाला था ना मसाला कह रही देखिए कैसे खिले खिले रहा था अभी, लेकिन ये 70% से 80% तक चले हैं अभी कुछ कच्चे। टू टेबल स्पून थोड़ा सा स्टीम अच्छी बन जाए, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ये मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, चाहे तो बटर डालने तक चाहे दूसरा ऑयल भी 3 से 4 teaspoon मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। पैन को मैंने वॉश करते रहते ग्रीस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो धुआं देगा, ग्रीसी नहीं होना चाहिए आपको पैन। यह
चलें अब मिलती है 10 मिनट्स के बाद। अब देखिए ये स्टीम कंप्लीट हो गई है, दम आ चुका है, अब मेरे राइस अच्छे गल गए हैं। तो व्यूअर्स कैसी लगी बिरयानी, कैसी शक्ल, अच्छी है ना? चिकन स्टीम रोस्ट बिरयानी रेडी है। तो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, फीडबैक दें मुझे, खुद बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। नेक्स्ट चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।